नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया के इस देश में सिर्फ 40 मिनट तक रहती है रात, जाने इसके पीछे का कारण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। अपनी इस खूबी के कारण ये दुनिया भर में मशहूर होते हैं। इनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए लोग हमेशा से उत्सुक रहते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां मात्र 40 मिनटों तक रात होती है। जी हां, ये सच है। इस देश में कुछ मिनटों के लिए ही रात दिखाई देती है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताते हैं कुछ खास बातें। कौन सा है देश? इस देश का नाम है नॉर्वे, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित हैमफेस्ट शहर में रात के समय 12:43 पर सिर्फ 40 मिनटों के लिए सूरज डूबता है। उसके बाद दोबारा उंग या यूं कहेगी चढ़ जाता है। इस देश में रात को 1:30 के आसपास चिड़िया के चहचहाने की आवाज आने लगती है। कब तक रहती है रात? यहाँ पर यह सिलसिला पूरे साल में मई से जुलाई तक 76 दिनों या 2.5 महीने तक रहती है। इसी वजह से यह देश कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। कैसे दिखता है नजारा? नॉर्वे शहर की खूबसूरती की बात करें तो बेहद ही सुंदर बना है हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही सिंपल और हेल्दी जिंदगी पसंद करते हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आना पसंद करते हैं। यहाँ के सुंदर नजारे को देखने के लिए मई से जुलाई के दौरान इस देश में जाना बेस्ट होगा, तभी आप यहाँ के सुंदर व प्राकृतिक दृश्यों का आनंद मान पाएंगे। कब से यहाँ नहीं निकल रहा सूरज? यहाँ पर यह अद्भुत नजारा करीब 100 सालों से दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है कि यह शहर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैसे तो वहाँ के इंजीनियर्स इस परेशानी को दूर करने के लिए शीशे को प्रयोग कर नया सूरज बना लिया है। इस नकली सूरज को पहाड़ों के बीच इस तरह लगाया जाता है कि सूरज की रोशनी शहर तक आसानी से पहुंच सके। ऐसे में यह नजारा दिखने में बहुत ही आकर्षक व सुंदर लगता है। क्या है वैज्ञानिक कारण? जैसे कि सभी जानते हैं कि सूरज अंतरिक्ष में स्थिर है, धरती और बाकी के ग्रह उसके आसपास चक्कर काटते हैं। सूरज की धरती पर परिक्रमा करने पर ही दिन और रात होती है, मगर दिन और रात हमेशा छोटी बड़ी होती रहती है। असल में धरती का अपना असली कोई अक्ष नहीं होता है। उसके घूमने पर उत्तर और दूसरा दक्षिण में दो बिंदु बनते हैं। अगर उसे एक सीधी रेखा में जोड़ दे तो धुरी बनेगी। वह साइकिल के पहियों की धुरी की तरह दिखाई देती है जिस पर वे घूमते हैं। ऐसे में धरती अपने तल से 64 डिग्री का कोण बनाकर घूमती है, जिसके कारण उसका अक्ष सीधा न हो 23 डिग्री नीचे की ओर हो जाता है। इसी झुकाव के चलते ही दिन और रात का बड़ा छोटा होना जुड़ा होता है। इसी वजह से यहाँ करीब 76 दिनों तक सिर्फ 40 मिनट तक रात होती है।